सर हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ रियल फ्रीडम एंड व्हाट इज़ रेल्यूशनरी फ्रीडम आजकल बहुत सारे लोग 33, 34 थर्टी एज में रिटायर होना चाहते हैं एंड उसको बोलते हैं कि दिस इज़ आर रियल फ्रीडम विच इज़ नॉट एग्जैक्टली रियल फ्रीडम यू गेट टू नो इट व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग राइट जब आप एक ट्वेंटी नाइन थर्टी एज में पहुँच जाते हैं तब तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार ये भी नहीं है वो फ्रीडम देर इज़ समथिंग एल्स तो क्या वो एक वो फ्रीडम क्या है जिसकी आप बात करते रहते हैं हमेशा और आप कहते हैं कि जब वैसे उस एक्सपीरियंस से हो के जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको समझाने में ज़्यादा बेटर फील करता हूँ बिकॉज दे नो दे हैव एक्सपीरियंस दैट तो वो चीज़ वो क्या है फ्रीडम आप बताइए आप लोगों के क्या थाट्स हैं इसके बारे में इस टॉपिक के बारे में सर um, मेरे लिए फ्रीडम है कि बेसिकली मैं जो चाहे वो करूँ और अगर मैं अपने मनपसंद का काम कर रहा हूँ जिससे मैं लिविंग अपनी अर्न कर रहा हूँ तो मैं कभी भी रिटायर नहीं होना चाहता कभी भी नहीं मैं मरते दम तक काम करना चाहता हूँ वो बोला मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है कि थर्टी थ्री में रिटायर होना है जहाँ तक सवाल है फाइनेंशियल फ्रीडम का वो मैं बहुत जल्दी अचीव करना चाहता हूँ ताकि एक प्रेशर हट जाए दिमाग से क्योंकि कल को अगर मैं कोई अनसर्टन पाथ पे भी चल रहा हूँ एंड लेट्स एट मेरे अगेंस्ट हैं और कुछ होता ऐसा है ऐसा कि मैं नहीं कर पाता तो एटलीस्ट एक फाइनेंशियल बैकिंग हो जिससे मैं एटलीस्ट सिक्योर रहूँ एंड अगर फाइनेंशियल बैकिंग होगी तो ही मैं वो रिस्क उठा पाऊँगा सर uh, जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम है वो तो हमारी एक फ्रीडम uh, का पार्ट है ही वो तो हमें चाहिए एक होती है सर्वाइवल नीड्स कि एक ऐज के बाद आपको समझ आ जाता है कि एक सर्वाइवल नीड्स आपकी चाहिए घर रोटी कपड़ा मकान वो तो एक फ्रीडम आपको चाहिए कि जैसे आप एक जॉब में हो वहाँ पे आपको यस yes बॉस वाला कल्चर नहीं चाहिए उससे एक फ़्रीडम चाहिए एक और भी फ्रीडम है ऑन द लेवल ऑफ आर थाट्स ऑन द लेवल ऑफ़ आर इमोशंस किसके ऊपर भी जाके कुछ है जैसे आप काफ़ी बार अपने सेशंस में बोलते हैं कि लोग एक गोल बनाते हैं एक पर्पज़ बनाते हैं वो अचीव कर लेते हैं बट उसके बाद भी उनको एक खालीपन लगता है राइट तो वो खालीपन कैसे दूर होगा इट मीन्स दे आर इन एल्यूशनरी फ्रीडम उनको लगता था कि उस वो पा के उनको फ्रीडम मिल जाएगी बट नहीं मिली स्टिल देयर इज़ समथिंग दैट दे वॉन्ट टू डू विच फुलफिल देम अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या उसमें फिर फाइनेंशियल फ्रीडम भी इंपॉर्टेंस रखेगी जैसे कबीर जी और मीरा जैसे अपनी लाइफ जिए थे उनके पास ऐसा तो नहीं था कि फाइनेंशियल फ्रीडम थी बट वो जिए थे राइट और वो बहुत खुल के जिए थे तो वो चीज़ क्या है वो पात क्या है ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अचीव कर ली है उनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है ध्यान से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो फाइनेंशियली फ्री है बहुत पैसा है उनके पास में हरकत है लेकिन अभी भी दो कौड़ी की है सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और ये वो जो भी होते हैं उन लोगों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए तो भी वो फ्री का हुए हैं वो तो बंधे हुए हैं सोचो सड़क पे एक भिखारी जो भीख मांग रहा है उसको आपने पैसा नहीं दिया तो उसे एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है वो आगे अगली गाड़ी पे चला जाता है आपने कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी बोल दिया तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है और मजे से अपना घूम रहा है फिर रहा है जो भी करना है वो कर रहा है तो वो ज्यादा फ्री है या फिर एक ऐसा आदमी जिसके पास में बहुत पैसा है लेकिन ऐसी ऐसी एड्स कर रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे कि पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है यानी पूरी दुनिया के लिए वो एक बर्डन है इनफैक्ट भिखारी एक बर्डन नहीं है क्यों क्योंकि भिखारी को जब हम भीख देते हैं तो हमें अच्छा लगता है वी फील गुड नोट किया है कभी साइकी को नोट किया है जितना अच्छा भिखारी को लगता है उससे ज्यादा अच्छा आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है अब ऐसा आदमी जो सो कॉल्ड फाइनेंशियली फ्री है लेकिन एक के बाद एक पैसे के लिए पागल हुआ पड़ा है और पैसे के पीछे ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो करने लायक नहीं है तो वो फ्री कहां है तो मुझे तो बहुत कम ऐसे लोग नजर आते हैं जो एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं और वो फ्री भी है बल्कि जितना पैसा उनके पास आता चला जाता है वो उतना ही वो और बन जाते हैं सर आपके अलावा तो देखा ही नहीं किसी को <laughs> मेरा भी एक्चुअल में आप लोगों को क्या पता क्योंकि एक्चुअल में भी मुझे देखा कहां है आपने वीडियो में ही तो देखा है हो सकता है वहां पे मैं अपनी पर्सनालिटी को फेक कर रहा हूं रियल exactly. में क्या है वो तो मेरी फैमिली को पता है मेरे फ्रेंड्स को पता है मेरे कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि मैं जब किसी से बात करता हूं तो एम आई टॉकिंग आउट ऑफ फ्रीडम एंड वॉट इज फ्रीडम क्योंकि पहले तुमको ये क्वेश्चन करना होगा फ्रीडम क्या है सो so, एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लेना जैसे आपने कुछ के नाम लिए जैसे संत कबीर मीराबाई अब ये लोग तो फाइनेंशियली फ्री नहीं थे अगर संत कबीर की बात करी जाए रोज का काम करते थे जो पैसा आता था उससे पेट भर लेते थे कहते थे मांगण से मरना भला मत कोई मांगो भीख तो वो भीख भी नहीं मांगते थे और वो पैसे के पीछे पागल भी नहीं थे वो बीच में कहीं पे थे यानी काम किया पैसा कमाया और रिलैक्स हो गए तो क्या उनको फ्री कहोगे और अगर उनको फ्री कहोगे तो जो आप जॉब की बातें कर रहे हो क्या वो फ्रीडम है बिजनेस की आप बातें कर रहे हो क्या वो फ्रीडम है और इस चीज की क्या गारंटी है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं यानी संत कबीर वो फ्री थे वो तो उनको पता है कि वो फ्री थे या नहीं थे उनकी इमेज आपके माइंड में जो है दैट इज सिंबॉलिक ऑफ फ्रीडम जैसे बुद्ध की जो इमेज है आपके माइंड में वो इमेज ऐसी है बुद्ध इज सिम्बोलिक फॉर एनलाइटनमेंट मे बी जो एनलाइटनमेंट है वो उससे अलग हो जो आपके माइंड में इमेज है क्योंकि कभी आप उनसे तो मिले ही नहीं उनके डिसाइपल तो आप थे ही नहीं तो वॉट इज फ्रीडम इसको क्वेश्चन करना होता है और ये क्वेश्चन नेवर एंडिंग है ये मत समझना कि अभी यहाँ पर एक घंटे में आंसर मिल जाएगा उसके बाद अपने घर गए हाँ मुझे समझ आ गया फ्रीडम क्या है ना आप बार बार बंधोगे हर एक लेवल पर बंधोगे फिर वहाँ से निकलना होगा खुद देखना होगा कि मैं कहाँ बंद रहा हूँ या बंद रही हूँ फिर वहाँ से निकलना होगा तो सर इसमें फिर स्टार्ट कैसे किया जाए एक ट्राइड पाथ में लें या एक अनट्राइड पाथ में जाएं? सपोजिंगली हमारा गोल है अल्टीमेट फ्रीडम बट हम ट्राइड पाथ पर जाते हैं तो जिनको हम देखते हैं वो तो नहीं है फ्री ना तो वो इमोशनली फ्री हैं ना फाइनेंशियली कहीं ना कहीं हैं ठीक है बट दैट इज़ नॉट आर गोल हमें पूरी तरह से एक फ्री लाइफ चाहिए बट वो हमारा एंड गोल नहीं है तो एक अनट्राइड पाथ जब भी हम चूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कोई जॉब में है अगर उसको अपना बिजनेस ट्राई करना है वो कोई अनट्राइड पाथ में जाता है और एक तो वो कैसे जाए वहाँ पे? और क्या ऐसे तो लोग हैं आपकी फैमिली में जो बिजनेस करते हैं जिनके पास में बहुत पैसा है लेकिन उनसे जब आप बात करते हो या उनसे मिलते हो तो फ्रीडम नाम की चीज़ दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आती है बल्कि वो तो और ज्यादा बंधे हुए नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू समबडी जो कि जॉब कर रहा है मंडे टू फ्राइडे जॉब किया सैटरडे संडे छुट्टी फैमिली के लिए टाइम है सर मेरे लिए फ्रीडम का सिंपल मतलब है खुशी और खुशी मुझे तब मिलेगी जब मैं दूसरे के लिए कुछ काम करता हूँ जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर मैं किसी बेगर की हेल्प करता हूँ चाहे मैं उसे खाना देता हूँ या मैं उसे कुछ पैसे देता हूँ तो हमें खुशी मिलती है तो मेरे लिए खुशी वही है कि मैं चाहे या तो अपने बिज़नेस के थ्रू कुछ ऐसा करूं जैसे अभी हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है तो एक तरीके से आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो सिमिलर वे में मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और उससे कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि रात को सुकून से सोए वो चीज़ मिलेगी जिसको आप कह रहे हो कि दूसरों की हेल्प करके फ्रीडम मिलता है दूसरों की हेल्प करने से खुशी मिलती है ये आपकी अपनी इल्यूजन है क्योंकि अभी एक्चुअल में कभी हमने वो नहीं किया है जब करेंगे तब पता लगेगा प्रॉब्लम क्या होती है जैसे आपने मूवीज तो बहुत देखी होंगी बैटमैन की इसकी उसकी कभी ऑब्जर्व किया है वो मूवी क्या मैसेज देना चाह रही है दुनिया को हीरो को बनाने में मज़ा नहीं आता उसको नीचे गिराने में ज़्यादा मजा आता है तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आप एक्चुअल में दुनिया की भलाई करने के बारे में सोचोगे किस लेवल का प्रेशर होगा आपके ऊपर वहां पर खुशी ज़्यादा होगी या दुख ज़्यादा होगा क्योंकि जिनके लिए आप करोगे वो ही अगर अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान करना शुरू कर देंगे चाहे फिजिकली चाहे इमोशनली चाहे साइकोलॉजिकली तब कहाँ होगी खुशी सर मैंने ये चीज़ देखी है कि ना करना भी इम्पोर्टेंट है और मैं हर किसी की हेल्प नहीं करना चाहता मैं उसी की हेल्प करना चाहता हूँ जो पहले ज़ीरो से ले कर तक खुद पहुँचाए और उसके बाद पाँच से पचास तक पहुँचने में उसे मेरी हेल्प चाहिए हेल्प जिसको आप कह रहे हो दो तरह की हेल्प होती है एक फाइनेंशियल हेल्प है यानी आपने किसी का पेट भरा एक बार के लिए दो दिन के लिए पाँच दिन के लिए एक महीने के लिए ये एक तरह की हेल्प है दूसरी हेल्प होती है किसी को आपने जॉब दी यानी जो ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं देखा जाए तो वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत हेल्प कर रहे हैं कंट्री की क्योंकि जॉब क्रिएशन में उनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वहां पर उन्होंने पूरी लाइफ के लिए सिर्फ उसका ही नहीं उसकी पूरी फैमिली का पेट भर दिया दैट इज वन बट वो तो सर्वाइवल की बात हो रही है तो रियल हेल्प क्या है क्या सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है या फिर ये कह लो क्या सर्वाइवल विद बॉन्डेज इंपॉर्टेंट है या सर्वाइवल विच इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है मतलब के देखना ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं एक पंछी है उसको पिंजरे में पूरी जिंदगी के लिए कैद करके उसके सर्वाइवल को इंश्योर कर दिया क्या यह हेल्प है या उस पंछी को उड़ने के लिए खुला छोड़ दिया यानी पिंजरे को ही खोल दिया पिंजरे को ही तोड़ दिया वो हेल्प है तो पिंजरे को आप कैसे खुला छोड़ोगे पहले आप खुद अगर उड़ोगे तभी तो आप उसके बारे में सोचोगे इन अदर वर्ड्स किसी की भी हेल्प करने के लिए पहले आपको खुद फ्री होना पड़ेगा जहां से हमने सेशन को शुरू किया था यानी फ्रीडम नाउ व्हाट इज फ्रीडम अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अब जैसे पिंजरे की बात आई अब फ्रीडम ने इसमें क्या हो गया है कि जैसे हम हेल्प करना चाहते हैं सबसे पहले तो हम हेल्प तो सोचते हैं उसे कि हम हेल्प कर रहे हैं ठीक है अब हेल्प में एक और चीज़ आ जाती है कि उससे हमारी कोई हेल्प हो रही है या नहीं हो रही ऑब्वियसली जो किसी को भीख दे रहा है वो खुद दिखा रही है राइट right? जो किसी की हेल्प कर रहा है वो ये पहले सोचेगा कि मैंने इसकी अगर हेल्प करी तो मुझे बदले में क्या मिलेगा तो वो तो सौदा हो गया ना गिव एंड टेक हो गया सर uh, ऐसे जैसे आपने बोला कि उसमें तो फिर हमें हर चीज पे क्वेश्चन मार्क करना होगा ना हमने सन कबीर की लाइफ पे भी एक लगा थे हम तो नहीं थे उस टाइम पे पेटर अब हम किसी और को देखते हैं जो ऐसा क्लेम करता है कि मैं बहुत फ्री हूं। हम तो नहीं है ना वहाँ पे वो अपने <laughs> के लिए ही और आपको कैसे पता कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा, रहा है हो सकता है उसका कोई हिडन मोटिव हो हम तो नहीं है और ज्यादातर होता भी है आप कभी नोट करना ऐसे लोगों को जो जरूरत से ज्यादा अपने आपको दिखाते हैं ना कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है ये है वो है वो है वो क्या चाहते हैं आपसे आपको अपनी एक ऐसी लाइफ दिखाना चाहते हैं कि आप उनको ज्वाइन कर लो ट्रू उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लो यानी उनको पैसा मिले आजकल ऐसे ही हो रहा है ऐसा ही होता है पब्लिक में अपनी एक ऐसी इमेज बना करके कि मैं बहुत अच्छा हूँ उस इमेज को कैसे इनकेश किया जाता है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट मेरे को पता है ऐसे लोगों के बारे में वो कैसे अपना influence. जिसको आप इन्फ्लुएंसर influencer बोलते हो या इन्फ्लुएंस कर दिया पब्लिक को पब्लिक में अपनी एक ऐसी इमेज बना दी कि लोग पागल हो गए जनता पागल हो गई जनता को लग रहा है कि ये तो धर्मात्मा है ये तो हमारा मसीहा है वो मसीहा पीछे से क्या कर रहा है वो आपको नहीं पता है किस तरीके से अपनी उस पॉपुलैरिटी को इनकैश कर रहा है कि जहां पहले उसको एड का मानो दस लाख रुपए भी कोई नहीं देता था आज उसका रेट बढ़ करके दस करोड़ हो गया है वो आपको नहीं पता है जहां उसको साल की एक एड भी नहीं मिलती थी आज साल की उसको दस एड मिल रही है तो उसने तो एक झटके में सौ करोड़ कमा लिया थोड़ा सा दिखा करके कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ खत्म चलता है yes, sir, ऐसा हो भी रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हैं। जो इस चक्कर में फंस रहे हैं। तो इसमें तो फ्रीडम पे भी एक बहुत बड़ा फ्रीडम भी है या नहीं है फ्रीडम exactly. से हो, हो, हो सकता है ना, ना हो।, हो अब हम सही इंक्वायरी कर सकते हैं बिकॉज अगर आप दोनों में से किसी भी एक तरफ हो आप कहते हो फ्रीडम है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई फिर सेशन को आगे क्यों बढ़ाना है अगर आप कहते हो फ्रीडम है और ऐसी ही है जैसी मेरे माइंड में है यानी या तो किसी के माइंड में एक एक्सट्रीम एक एग्जाम्पल आ गया दैट कुड बी ऑफ अ बिलेर और अ मिलेर और वट इट इज़ या फिर आ गया कि भाई मैंने किसी की हेल्प करी तो मैं फ़्री हो जाऊंगा या फिर आ गया कि मैंने किसी और को बदला तो मैं फ्री हो जाऊंगा या फिर आ गया कि मैं मीरा बाई के जैसी हो गई तो मैं फ्री हो जाऊंगी हो सकता है आप उनके जैसे एक्ट करने की कोशिश करो और चार दिन में आप कहो कि ये क्या हो गया मेरे साथ में मैं तो बोर हो रही हूँ पूरे दिन कुछ है ही नहीं करने के लिए तो व्हाट इज़ फ्रीडम फ्रीडम अगर हम अब मैं फ्रीडम को एक साइड पर रख देता हूँ पहले ठीक है हम जाते हैं कि अब जैसे कि कोई भी चीज़ है अभी जो चाहे आईटी के लेवल पे चल रही है चाहे आर्टिफिशियल इंच के लेवल पे चल रही है चाहे मार्केटिंग के लेवल पे चल रही है तो अगर मैं मार्केटिंग के लेवल से देखूं हर चीज़ को हम कंज्यूमर हैं या कस्टमर हैं कस्टमर्स बनाते हैं मार्केटिंग वाले ये सारे जो भी हमें बेचना होगा हमें बेचेंगे ही बेचेंगे लेकिन उस कस्टमर जितना समझदार बनता जाएगा दिन पे दिन मे भी वो थोड़ी बहुत फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत फ्रीडम अचीव कर ले अगर फ्रीडम है तो क्या आपके लिए थोड़ी बहुत फ्रीडम चलेगी एक स्टार्टिंग होनी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा थोड़ी बहुत अच्छा क्या फ्रीडम थोड़ी बहुत होती है या पूरी होती है पूरी होगी देखो फ्रीडम या तो होती है तो पूरी होती है इस बात को अच्छे से समझ लेना थोड़ी बहुत फ्रीडम कुछ नहीं होती छोटी रस्सी और बड़ी रस्सी क्या होती है या तो रस्सी तोड़ दी है आपने आप फ्री हो छोटा पिंजरा और बड़ा पिंजरा क्या होता है फ्रीडम होती है तो पूरी होती है वरना नहीं होती है आइदर यू आर इन बॉन्डेज और यू आर फ्री अब किस लेवल पे फ्रीडम होती है किस लेवल पे नहीं होती है उसको आराम से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बॉडी के लेवल पे वी आर ऑल इन बॉन्डेज इसमें कोई डाउट है अपने सेंसेस के हम गुलाम नहीं है क्या हमारे सेंसेस हमको भगाते हैं तो एक फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि आप एक्सट्रीम में नहीं भाग रहे हो एज फार एज योर सेंसेज आर कंसर्नड अपने सेंसेस को पूरी तरह से भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो क्योंकि अगर वो किया तब भी वो बॉन्डेज बन जाएगा क्योंकि फिर उसी में लगे रहोगे सुबह से रात तक देखा ऐसे लोगों को सुबह से रात तक डाइटिंग 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 डाइटिंग, डाइटिंग पागल हैं वो एक एक चीज में बस कैलरीज गिनते रहते हैं तो उनको फ्री कहोगे वो तो उसी से बंध गए तो एक एक्सट्रीम हो गया कि वो पागल हैं उसके पीछे एक है उसमें इंडल्ज है यानी एक इंसान है जो उसको छोड़ने के लिए पागल है मतलब नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना एक है सिर्फ खाना है खाना है खाना है खाना है दोनों ही फ्री नहीं है एक है अपने सेंसेस को सप्रेस कर रहे हैं एक है सेंसेस में इंडल्ज हो रहे हैं तो फ्रीडम का पहला स्टेप क्या आया मॉडरेशन में आ जाओ बैलेंस बैलेंस तो कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि बैलेंस एक्चुअल में क्या है क्योंकि देखो बैलेंस या तो कोई वेइंग स्केल होता जहां पर आप कहते हैं अब बैलेंस्ड हो गया है कोई वेइंग स्केल तो है ही नहीं तो आप कह सकते हो कि मॉडरेशन कभी थोड़ा बहुत इंडल्ज भी हो गए कभी थोड़ा बहुत सप्रेस भी कर लिया लेकिन कोशिश कर रहे हो एक मॉडरेट लाइफ जीने की एज फार एज यर सेंसेज आर कंसर्न हाँ यही यही मैंने वो कस्टमर के हिसाब से बताया था कि हाँ कोशिश करो कि मे बी आगे जरूरत ना पड़े बट एकदम से इंफ्लुएंस मत होते रहो इन चीजों से दैट इज वन यानी क्या बॉडी के लेवल पे फ्रीडम यानी जो हमारे सेंसेस हैं उसके लेवल पे अब ये मैंने बोल तो दिया है इट इज इजियस है देन डन क्योंकि इसके पीछे कितना बड़ा एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है आपके ब्रेन के लेवल पे। आप सपने में भी नहीं सोच सकते बताओ ऐसा होता है नहीं होता है रोज सोचते हो कि मुझे ये नहीं करना है फिर करते हो आपको पता है नहीं करना चाहिए फिर भी करते हो तो समझ आ रहा है ना कि हम कहा गुलाम हैं अपने सेंसेस के गुलाम हैं तो यू शुड नो हाउ टू से नो टू योर इंपल्सिस आपके जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा ना तब जा कर के कहीं कुछ और आप एक्सप्लोर कर सकते हो नहीं तो मेरी जो बातें सारी ऊपर से निकल जाएंगी सेंसेस के लेवल पे थोड़ा सा मॉडरेशन में आना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया है तो वो आलसी हो जाएगा वो सुनने की कंडीशन में नहीं है कि अगला स्टेप क्या है या अगला स्टेप है भी या नहीं है और अगर कोई बहुत ज़्यादा सप्रेस करने में लगा हुआ है तो उसका पूरा ध्यान वहीं पर है वो उसी लेवल पर एंटैंगल्ड है उस लेवल से आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं यानी वो बॉडी से आगे कभी बढ़ेगा ही नहीं वो पूरी जिंदगी मरते दम तक बस बॉडी में ही लगा रहेगा और वहीं पे उसी की बातें करके खुश हो जाएगा कि मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं मैं वो करता हूं करता हूं देखो 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 मेरी फिटनेस मेरा ये मेरा वो कुछ नहीं है तो पहले ये समझना पड़ेगा दिस इज द फर्स्ट स्टेप देन कम्स द लेवल ऑफ योर माइंड जिसमें आपके इमोशंस आ गए फीलिंग्स आ गई थॉट्स आ गए फिर आता है एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन सब लेवल्स को आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सको अभी मैं बहुत आगे निकल गया एकदम से पहले बॉडी के लेवल पर ही आएगा आपका सर्वाइवल और वो भी एक कंफर्टेबल सर्वाइवल जिससे पैसा कनेक्टेड है और प्लस आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पैसे की इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है आपको वेल्थ के नोशन को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि पैसा मतलब क्या जैसा पूरी दुनिया सोचती है वो पैसा है Do you want to understand what is wealth? कभी हम ऐसा नहीं पूछते नहीं हेल्थ आपको बहुत अच्छी हेल्थ दे दी और पैसे ही नहीं है क्या करोगे मेरा कहने का मतलब ये था कि इतनी वेल्थ होनी चाहिए कि हमारी हेल्थ सेटिस्फाइड रहे बट जितनी वेल्थ आती है लोगों के पास में उनकी हेल्थ और खराब हो जाती है वेल्थ से हेल्थ कहाँ मिलती है नहीं कह रहा हूँ वेल्थ इतनी नहीं होनी चाहिए एक क्या कहते हैं ना कि जैसे कि हमारी नीड्स है खाना पीना कपड़ा मकान ह्यूमन नीड्स के देखा जाए तो सिर्फ तो उतनी ही नीड पूरी होनी चाहिए उसके बाद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होनी चाहिए एक मिनट आप कह रहे हो वेल्थ नहीं होनी चाहिए नहीं वेल्थ उतनी होनी चाहिए आप कह रहे हो वेल्थ उतनी ही होनी चाहिए जितनी हाँ। की हमारी नीड्स है हाँ। उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा सोचो तो हो सकती है वरना नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल अगर ऐसे सोचोगे तो कभी होगी ही नहीं और फिर आप उसी लेवल पे बंधे रहोगे क्योंकि आपकी पैसे की नीड्स पूरी कैसे होती है कोई आपको पैसा देता है क्या सड़क पर चल करके

कॉन्शियसली सही कर सकते हैं राइट right? राइट right. जैसे मोबाइल से आप सब एडिक्ट हो बताने की जरूरत नहीं मुझे पता है अब अगर आप मोबाइल से एडिक्ट हो तो क्या आप उससे बाहर आ सकते हो कॉन्शियसली क्योंकि अगर वहां एडिक्ट हो उसमें इंडल्ज हो तो तो अगले स्टेप पे जाने की तो बात ही नहीं उठती ना फिर फ्री हो भी गए तो करोगे क्या एडिक्शन तो वहीं का वहीं है तो पहले आपको ऐसा बनना है कि आप चीजों के गुलाम नहीं हो सेंसेस के गुलाम नहीं हो

हर जगह कुछ ना कुछ होने की बात करी जा रही है होता कहीं कुछ नहीं है ये वो समझ सकता है जिसने वो सब करके देख लिया है कहीं कुछ नहीं होता है बैक टू स्क्वायर वन होता है तो आराम से स्टेप बाय स्टेप समझो पहला है सेंसिस को मॉडरेशन में ले आओ इट इज इजी देन आज के टाइम में क्योंकि एआई इतनी पावरफुल है टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि आपको बांध दिया गया है चारों तरफ से आपको पता ही नहीं है क्योंकि अगर आप मोबाइल के एडिक्ट हो तो आज नहीं तो कल आपकी बॉडी की धज्जियाँ उड़ने वाली है और अगर बॉडी की धज्जियाँ उड़ गई तो ये सब सिर्फ बातें हैं फ्रीडम और ये वो जब बीमार होते हैं ये क्वेश्चन उठता है अंदर से फ्रीडम क्या है नहीं उठता है अब पैसे के लेवल पे आपको इस तरीके से पैसा कमाना है और इतना पैसा कमाना है कि आप पैसे से फ्री हो जाओ इस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि कोई ऐसा काम है जो मैं करूँगा और मेरे को बहुत मजा आएगा क्योंकि जिस भी काम में आपको मजा आता है वो कुछ टाइम बाद आप करते रहोगे रिपीटेटिव हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा जैसे कोई मूवी आपको अच्छी लगती है बार बार दिखाऊंगा तो वो बोरिंग हो जाएगी तो काम बोरिंग हो जाता है दूर से देखने में लगता है कि ये सिंगर है इसका पैशन सिंगिंग है तो इसको सिंगिंग करने में बहुत मज़ा आता होगा ऐसा नहीं होता है क्योंकि सिंगिंग करने के जो उसको पैसे मिलते हैं वो जो आदमी उसको बोलता है गाने के लिए वो गाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है सिंगिंग से पैसा कमाना एक अलग चीज़ है सिंगिंग करना एक अलग चीज़ है और जब कोई इंसान सिंगिंग भी करता है तो ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर दुनिया में कोई होता है जो अकेले में बैठ करके गाता है वो भीड़ में गाता है और जब भीड़ में गाता है तो वो औरों की आंखों में देखता है अपने सक्सेस और फेलियर को अगर भीड़ तारीफ करती है तालियां बजाती है तो उसको अच्छा लगता है और अगर भीड़ उठ करके चली जाती है तो उसको बुरा लगता है तो वो भी तो गुलाम है या तो तारीफ का गुलाम है या पैसे का गुलाम है तो फ्रीडम कहा है फ्रीडम तो ये है कि आप काम को स्विच कर सको ये नहीं जो आप सोचते हो कि कैसा काम मुझे मिल जाएगा विच आई एम पैशनेट अबाउट और फिर मैं पूरी जिंदगी वही करूंगा और फिर मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी ये सब ल्यूजन है एक्चुअल में फ्रीडम ये है कि जब आपको समझ आ जाए कि इस काम का जो पीक है उसको मैंने अचीव कर लिया है नाउ इट इज गेटिंग बोरिंग इट इज गेटिंग रेपिटेटिव इट इज गेटिंग मोनाटोनस नाउ आई नीड टू लीव दिस तब आपके पास में इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि आप उसको छोड़ सको नहीं तो आप एक रोबोट बन जाओगे आपको जो पैसा दे रहा होगा वो जो आपसे करने को कहेगा और आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा फिर सुबह से रात तक आप वो करोगे जो आपको कहा जाएगा करने के लिए यानी कि यू विल बी लाइक अ मशीन सुबह इतने बजे उठे इतने बजे ये इतने बजे ये इतने बजे ये मतलब अगले तीस साल आपकी लाइफ के प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly कितने बजे कब क्या होने वाला है एक्सेप्शन आर ऑलवेज देर बीच में एक आध दिन को हम छोड़ सकते हैं बट ऐसे लोग हैं दुनिया में तो क्या ये फ्रीडम है ये तो बॉन्डेज है सो so, पैसा कमाना है इस तरीके से कमाना है कि आपको पैसा मिल रहा है क्यों क्योंकि आप डिज़र्विंग हो अगेन ये मैंने बोला है बट ऐसा बहुत कम होता है ज़्यादातर लोग जिनको पैसा मिलता है वो डिजर्विंग नहीं होते हैं या तो उनके रिलेशन अच्छे होते हैं अपने बॉस के साथ में या उसको हामिया मिलाना आता है गुलाम होते हैं कुछ भी बोलते रहो नॉट बिकॉज ऑफ देयर वर्क क्योंकि अगर आपको आपके काम की वजह से पैसा मिल रहा है यानी आपकी कैपेबिलिटी की वजह से तो आप कहीं भी जा सकते हो और अगर आपने कैपेबिलिटी है और उस कैपेबिलिटी की डिमांड है तो अब आप फ्री हो सकते हो एक लेवल तक कहां तक पैसे तक अभी काम के लेवल पे आप फ्री नहीं हो क्योंकि अगर वो काम बोरिंग हो गया तो आप काम छोड़ नहीं सकते क्योंकि और कोई स्किल ही नहीं है आपके पास में छोड़ के करोगे क्या पैसा कहां से आएगा तो यू शुड थिंक अबाउट पैसिव इनकम अगर एक्चुअल में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो यू शुड थिंक अबाउट लेवरेज नॉट लीनियर एफर्ट एक होता है लीनियर एफर्ट एक होता है लेवरेज लीनियर मतलब क्या एक बड़े से पत्थर को हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेवरेज मतलब क्या इसमें एक वर्ड है ना लीवर कि एक बड़ा सा लीवर आपने लिया उसके नीचे लगाया हल्का सा पुश किया पत्थर साइड में तो यू शुड थिंक अबाउट पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म में अभी इमीजिएटली नहीं इमीजिएटली अगर इस में फंस गए पैसिव इनकम के तो जो है वो भी चला जाएगा बट सर आजकल कल पैसे इनकम में भी लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं कि मतलब जो सब कर रहे हैं पैसे इनकम जैसे आजकल ये बहुत ट्रेंड है थर्टी थ्री में रिटायर होना यंगस्टर्स में तो क्या वो चीज़ सही है कि हर कोई आजकल डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है आजकल हर कोई मतलब आपने स्कूल कॉलेज पास किया यू आर इन टू पैसे इनकम यू आर डूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग यू आर समथिंग एल्स दैट इज बेटर हर कोई एक ही तरह की जॉब करना चाहता है और उस जॉब के लिए मारकाट मची हुई है और उसके लिए इतना कॉम्पिटिशन है जिसकी कोई हद नहीं है हर लेवल पे एक पूरा का पूरा फनल है अगर हम चालीस पचास साल पीछे चले जाए तो क्या था इंडिया में भुखमरी थी तो एक फनल था बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे और कुछ लोगों को जॉब मिल रही थी और जॉब्स बहुत ही लिमिटेड थी और उसमें भी उनको जॉब कौन सी चाहिए थी सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि लाइफ सेट हो जाए आज भी बहुत सारे लोग हैं उनका ये माइंडसेट है बट हैविंग सेड दैट आज माइंडसेट चेंज हो रहा है तो जो आप कह रहे हो दिस इज बेटर देन उस माइंडसेट के क्योंकि तो वहां पर तो मारकाट है एंट्रेंस में देख लो कितनी बुरी हालत है और एंट्रेंस के बाद भी जब वहां पहुंचते हैं तो कितनी बुरी हालत है सो इट इज बेटर कि आप एटलीस्ट हाथ पैर मारो ट्राई करो कुछ अलग अलग चीजें अब वहां पर कुछ जेनविन लोग भी होंगे कुछ फ्रॉड भी होंगे तो उतना आपके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप उनसे बच सको इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है जरूरी नहीं है किसी को पैसा दो फ्री में भी सीख सकते हो जिसको सीखना है सर मोस्ट प्रोबेबली हम सब फ़ॉर द नेक्स्ट डेकेड या फॉर द नेक्स्ट टू डेकेट्स हम लोग अपने पीक पे काम करने वाले हैं और यही टाइम है कुछ करने का तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर क्योंकि फ्यूचर में मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि बहुत सारी जॉब्स जाने वाली हैं और बहुत सारी नई जॉब्स आने वाली हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में बातें होती ही नहीं इस बारे में राइट हमें बाद में यूट्यूब पे या फिर कहीं पर हमें जाके पता लगता है कि ऐसी भी कोई चीज़ें हो रही हैं तो कैसे हम प्रिपेयर करें और कैसे अवेयर करा सकें जो बच्चे अभी स्कूल्स में या कॉलेजेस में क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज में उनके पास बहुत टाइम है हमने इस सेशन को शुरू किया था फ्रीडम से तो फ्रीडम के जो और एस्पेक्ट्स हैं मैं अब उसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो अगर मैं वहाँ चला गया तो वो सेशन लंबा होता चला जाएगा और वो मैं पास्ट में अपने कई सेशंस में टच कर चुका हूँ और फ्यूचर में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच करता रहूँगा यानी माइंड के लेवल पर फ्रीडम का मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर फ्रीडम का मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग से फ्री होने का मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग भी तो अपनी एक लिमिटेशन है उससे भी फ्री होना होता है वो भी अंडरस्टैंडिंग से ही होना होता है बिलीफ से फ्री नहीं हो सकते तो अभी वहां नहीं जाते अभी बात करते हैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आप बात कर रहे हो कि आने वाले टाइम में जो करियर्स होंगे वो अनस्टेबल होंगे अनसर्टेन होंगे क्योंकि पता ही नहीं कि कब कौन सा करियर रिडेंडेंट हो जाएगा आज उसकी डिमांड है कल हो सकता है कोई डिमांड नहीं रहेगी और ये फैक्ट है तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जब ऐसा हो और ऐसा होना ही है तब एटलीस्ट आपके लेवल पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए बाकियों की तो आप गारंटी ले नहीं सकते उनके साथ तो क्या होगा right. तो आपको क्या चाहिए आपको एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जो कि बदलने के लिए तैयार हो अपने माइंडसेट को भी अपनी स्किल्स को भी अपने आप को भी हर एक चीज को जैसे ही कुछ बदलता है फटाफट से वो बदल जाए नंबर वन नंबर टू आपको फ्यूचर को देखना होगा फ्यूचर में क्या होने वाला है फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम जिसको कंप्यूटर आपसे ज्यादा अच्छे से कर सकता है उसको कंप्यूटर करेगा बट कंप्यूटर उस काम को तब कर पाएगा जब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करी जाएगी तो अगर आप उस डायमेंशन में हो तो कभी भी आपकी जॉब जाने वाली नहीं है अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो बशर्त है कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हो सिर्फ जो कॉलेज से सीखा है वहां तक जाकर के अटक नहीं गए हो तो एक स्पेस आगे हमको मिल गया टेक्स स्पेस ये कभी भी जाने वाला नहीं है दूसरा एक स्पेस आ गया फाइनेंस स्पेस ये कभी जाने वाला नहीं है पैसा था है और रहेगा तीसरा एक स्पेस आ गया मार्केटिंग का चौथा एक स्पेस आ गया उसको आप स्टार्टअप का बोल सकते हो जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों को चाहिए होते हैं उसको समझना और फिर उसको डिलीवर करना या तो सेम प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से डिलीवर करना बेटर तरीके से या अलग प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना फिर फ्यूचर में क्या होगा आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब कुछ वर्चुअल होता चला जाएगा आज जो भी कुछ हमको फिजिकल नजर आ रहा है वो सब वर्चुअल में शिफ्ट हो जाएगा एवरी थिंग इज गोट बी वर्चुअल जैसे पहले का माइंडसेट क्या है लोगों का अगर आप अपने घर में जाकर के देखोगे पुराना माइंडसेट क्या है प्रॉपर्टी ले लो उसके लिए इतने पागल हैं लोग जिसकी कोई हद नहीं है मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ सही, सही कह रहा हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए और एक नहीं होनी चाहिए बहुत सारी होनी चाहिए बहुत सारे प्लॉट्स होने चाहिए बहुत सारे घर होने चाहिए बहुत सारी जो भी पैसा आए उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो पैसिव इनकम नॉट इवन पैसे इनकम क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बहुत लोगों ने तो ले लेकर के डाली हुई है और वहां से ना रेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है और रेंट आ भी रहा है तो वो रेंट उससे कम है जितना कि अगर वो उसको बैंक में रखेंगे तो वहां से रेंट आएगा और प्रॉपर्टी में अब उतनी एप्रिसिएशन भी नहीं हो रही है जितनी पहले एक जमाने में होती थी तो वो क्या अगर पास्ट के बेस पे फ्यूचर को देख रहे हैं कि पास्ट में अगर प्रॉपर्टी ने मल्टीप्लाई किया है पिछले तीस साल में मानो सौ गुना तो उनको लग रहा है अगले तीस साल में भी सौ गुना मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं तो फ्यूचर में क्या होगा ऐसा आपको सोचना होगा ना मैंने अभी क्या बात करी थी थोड़ी देर पहले पैसिव इनकम के बारे में passive. तो अब अगर पैसिव इनकम रियल एस्टेट से नहीं आएगी तो कहां से आएगी डिजिटल रियल एस्टेट से आएगी अब ये डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है डिजिटल एसेट क्या होता है वो लोगों को पता ही नहीं है तो इन्वेस्ट करने की तो बात ही छोड़ दो डिविडेंट होते हैं नहीं देखो ध्यान से समझो डिविडेंड क्या होता है डिविडेंट होता है जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है उसमें से डिविडेंट देती है या बॉन्ड्स में से आपको डिविडेंट मिलता है तो डिविडेंड इज बेसिकली एन इनकम जो आपको मिलता है जब आप किसी बिजनेस में ओनर बनते हो जब आप एक शेयर होल्डर होते हो किसी कंपनी में तो आप ये मत समझो कि मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूँ आप उस कंपनी में ओनर बन रहे हो आप मालिक हो नौकर कौन है डायरेक्टर जो काम कर रहा है हमें बेसिक फंड क्लियर नहीं है मालिक कौन होता है शेयर होल्डर तो आप उस कंपनी में शेयर्स जब ले रहे हो तो आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उस बिजनेस के फ्यूचर पे दाव लगा रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट नॉट अ बिजनेस तो डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना तक नहीं है अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा एनएफटी क्या होती है तो आप सोच में पड़ जाओगे एनएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ क्या होती है एनएफटी की फुल फॉर्म नॉन फंजेबल टोकन हमें यह तक नहीं पता एन क्या है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में एक या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है इसमें कुछ नहीं पड़ा है कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है ब्लॉक क्या है वो कैसे काम करती है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे एक का सौ होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट जीरो परसेंट है नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं क्या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने खरीदी जो है मान लो तीन करोड़ की और उसका रेंट है मान लो सिर्फ तीस हजार महीना तो साल का कितना हुआ तीन लाख साठ हजार रिटर्न कितनी आई तीन करोड़ पे हार्डली वन परसेंट एक परसेंट रिटर्न क्या होती है इन्फ्लेशन है पांच छह परसेंट सात परसेंट तो।, तो आप तो पैसा गवा रहे हो कमा कर रहे हो तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं आज फाइनेंशियली फ्री कौन है वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था यानी आज से तीस साल पहले चालीस साल पहले प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया वो आज फाइनेंशियली फ्री है क्यों क्योंकि उस टाइम पे लैंड थी सस्ती मानो पाँच लाख रुपए दस लाख रुपए लगाया आज वही लैंड हो गई पाँच करोड़ की दस करोड़ की बीस करोड़ की जिसने उस टाइम पे पचास लाख लगाया वो आज भड़ कर के हो गया पाँच करोड़ तो एटलीस्ट फाइनेंशियली तो वो फ्री हो गए बाकी चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा तो पहले समझो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या पास्ट के बेस पे आज प्रेजेंट में पैसा लगाना है तो पैसा लगाना कहाँ है फ्यूचर में क्या होगा दुनिया कैसी होगी फिजिकल स्पेस की ज्यादा वैल्यू होगी या डिजिटल स्पेस की ज्यादा वैल्यू होगी और डिजिटल स्पेस क्या होती है एक डिजिटल एसेट क्या होता है और डिजिटल एसेट में भी जितने तरह के डिजिटल एसेट्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है सर आर यू बिलीवर इन क्रिप्टो आई एम नॉट अ बिलीवर इन क्रिप्टो like do you think it's the future i'm not sure about crypto but i'm sure about blockchain it's here to stay because as a model decentralized is a better model than centralized right तो अभी आप समझ पा रहे हो मैं कह क्या रहा हूं कि अगर आपको फ्यूचर में फ्री होना है अभी तो आप फ्री नहीं हो फाइनेंशियली अब पहले आपको अपने आप से पूछना है फाइनेंशियली सिक्योर होना है यानी उतना ही पैसा होना चाहिए जितना कि आपने कहा कि भई जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है दिस इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या मैंने इसको पहले भी बताया है अपने कई सेशंस में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है मैंने प्रॉपरली डिफाइन किया है मतलब क्या कि आपने जहां भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इतना है कि वो आपके लाइफ को सस्टेन कर सके तब आप फाइनेंशियली फ्री हो आपको जो भी करंट लेवल ऑफ लाइफ है अगर उसको आप सस्टेन कर सकते हो बिना कुछ करे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो फिर जो भी करना है वो करो नहीं करना है तो मत करो सर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होते ही अगर हम एक बिजनेस ओनर है तो हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं देखो ये गड़बड़ हो गई ना क्योंकि अगर आप कह रहे हो रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तब तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो गए क्यों क्योंकि बहुत सारे ऑनटरप्रेनोर हैं वो इसी ट्रैप में जाकर के फंस जाते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है एक के बाद एक जुआ खेलते चले जाना या फिर जुए से बाहर निकल आना तो बिजनेस इज लाइक गैमलिंग क्योंकि नाइनटी परसेंट ऑफ द बिजनेस इज फेल इन रिस्पेक्टिव ऑफ आर वॉट योर बैकग्राउंड इज अगर आप एक सीरियल ऑन्ट्रप्रोर हो तो आपके सक्सेस के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपका है टेन परसेंट तो ऐसी कुछ रिसर्चेज हुई है स्टडीज हुई है जिसके बेस पे निकल करके है कि अगर आप एक सीरियल ऑन्ट्रप्रन्यर हो तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ट्वेंटी है इट इज नॉट हंड्रेड तो आप कह रहे हो अगर हमारे पास में ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा रिस्क लेकर के और बड़ा बिजनेस कर सकते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री कहाँ हुए आप तो और बंद गए क्योंकि अब जब जाएगा तो और मोटा जाएगा और ऐसे तो लोग फंसते हैं से uh, मुझे कोई काम करना है एक्सपाइजेड कुछ भी काम करना है और उसके लिए मुझे अपनी करंट जॉब छोड़नी पड़ेगी एक बार ही मैं फ़ाइनेंशियली फ्री हो गया मुझे पता है कि अब मेरी इस जॉब से अर्निंग आने में चाहे एक साल लगे चाहे दो साल लगे मैं अपना एफर्ट कॉन्स्टेंट पुट कर सकता हूँ तो एक फाइनेंशियल बैकिंग होगी कि हाँ भाई ठीक है अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं एक एक दिमाग को संतुष्टि है कि पैसे हैं तो हो जाएगा तो एक बिना स्ट्रेस के आ, मैं वो ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ अच्छे से मुझे ऐसा लगता है बट अगर आपने रिस्क लिया तो आप वापस से फाइनेंशियली बॉन्डेज में चले गए ना आप फ्री कहाँ हो रहे हो आप तो और बॉन्डेज में जा रहे हो क्यों क्योंकि मैं लॉजिकली आपको समझा देता हूँ आप बोल क्या रहे हो आप ये बोल रहे हो कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ से मैंने पैसा कमाया पैसा कमा करके उस पैसे को जोड़ा अब मैं रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है क्योंकि मेरे हाथ में पैसा है अब मैं रिस्क ले करके अपना एक बिजनेस कर सकता हूँ तो अगर आपके बिजनेस में रिस्क है तो आप फ्री कहाँ हो क्योंकि अब अगर आपने दो साल या पाँच साल काम करके पैसा जोड़ा पाँच लाख रुपए और आपने एक बिजनेस किया तो नाइन्टी परसेंट चांसेस क्या है कि आपका बिज़नेस फेल हो जाएगा फेल हो गया तो आपका दस लाख रुपए डूब जाएगा फिर वापस से आपको जॉब करनी पड़ेगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या अगर आपके केस की बात करी जाए कि जॉब में आपने इतना पैसा कमा लिया और जोड़ लिया सिर्फ कमाए नहीं बहुत लोग हैं बहुत कमा लेते हैं लेकिन बेवकूफों की तरह और खर्चे बढ़ा देते हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इतना पैसा कमा लिया इतना जोड़ लिया कि वहाँ से पैसे इनकम आपको आ रही है रीजनेबल और अपने खर्चों को बिल्कुल कम कर दिया ताकि आप उस पैसिव इनकम पे सर्वाइव कर पाओ और अब एक ऐसा बिजनेस किया जो कि मुश्किल से पाँच दस हज़ार रुपए बीस हजार रुपए से आपने शुरू किया जो डूब भी गया तो आपकी उस पैसिव इनकम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा अब आप फाइनेंशियली फ्री हो अब इसके लिए क्या चाहिए एक ऐसा दिमाग चाहिए कि दस हजार रुपए में बिजनेस किया जा सकता है क्योंकि अगर आपको यह गलत है कि दस लाख या बीस लाख लगेंगे बिजनेस करने के लिए तब आप फाइनेंशियली कभी भी फ्री नहीं हो सकते क्योंकि कभी भी वो पैसा घुस जाएगा अंदर डूब जाएगा समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो ऐसे ये जो माइंडसेट है फाइनेंशियल फ्रीडम का ये बहुत अलग है एक ग्रीडी माइंडसेट सेट से नाइनटी लोगों का माइंडसेट ग्रीडी माइंडसेट होता है तो या तो वो जा करके कहीं किसी शॉर्टकट में फंसते हैं या किसी बिजनेस आइडिया में फंसते हैं या कहीं किसी की बातों में फंसते हैं या शेयर मार्केट में फंसते हैं या गैमलिंग में फंसते हैं कहीं ना कहीं जाकर के फंसते हैं कि जितना पैसा है उससे ज्यादा वहां पर लगा देते हैं पता लगा उधार में भी लिया और वो भी लगा दिया घर भी गिर भी रख दिया फिर जब नीचे गया तो सब कुछ ही नीचे चला गया तो मैं क्या कह रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप क्या है इस गैमलिंग माइंड से बाहर आ जाओ गैमलर कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता अगर आप एक कैसीनो के ओनर हो तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो क्योंकि कैसीनो कभी नहीं हारता और गैमलर कभी नहीं जीतता है तो यू नीड टू बिकम द ओनर ऑफ अ कैसीनो सर जैसे आपने अपनी एक वीडियो में बोला था बिजनेस वाली की एक लाख एक साथ लगाने से अच्छा है कि अगर आप हजार -दस दस बिजनेस में लगाओगे तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल और 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 आपको पता भी चलेगा कौन कौन सा फेल हो रहा और कौन सा फेल फेल हो हो रहा है नहीं अब आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हंड्रेड परसेंट हो गए क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस है दस तो अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मैं दस बिजनेसिस करूंगा और दस में दस दस हजार लगाऊंगा बजाय एक में एक लाख लगाने के और टोटल मैंने दस लाख जोड़ा है तो नौ लाख तब भी एज इट इज पड़ा हुआ है मेरी लाइफ को सस्टेन करने के लिए तो अब कहीं कोई रिस्क नहीं है अब आप कोई गैमलर नहीं हो अब आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हंड्रेड परसेंट है था था। क्यों क्योंकि दस में से तो एक चल ही जाएगा अगर आप सीख रहे हो तो अगर आप हर दूसरे बिजनेस में सेम गलती बार बार नहीं कर रहे हो आपको बस इतना ध्यान रखना है अब इसके लिए खुला हुआ दिमाग चाहिए कि दस हजार में भी बिजनेस हो सकता है अभी तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि नहीं बिजनेस करने के लिए मेरा जो आइडिया है उसके लिए एक करोड़ तो चाहिए ही आपका जो भी आइडिया है जैसा भी आइडिया है मुझे अगर अभी आप बताओगे मैं अभी पाँच मिनट के अंदर अंदर आपको बता दूंगा कि उसको दस हज़ार में कैसे किया जा सकता है तो जस्ट टू समिट अप हमारी जो कॉन्वर्सेशन है फाइनेंशियली फ्री कैसे होंगे जब आप फ्यूचर को देख पाओगे फ्यूचर के हिसाब से एक्ट कर पाओगे फाइनेंशियल फ्रीडम को भी छोड़ दो फाइनेंशियली सिक्योर भी तभी हो पाओगे जब आप फ्यूचर को देख पाओगे वो टाइम गया कि आप एक कंपनी में गए और अब आप पूरी ज़िंदगी मरते दम तक वहीं पर हो ऐसा रेयर केसेस में होता है कभी भी आपको फायर किया जा सकता है सिंपल जो हायर एंड फायर पॉलिसी है यूएस में वही अब इंडिया में भी है हर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यही पॉलिसी है काम करोगे तो अच्छा है नहीं करोगे तो बाहर हो और काम करोगे भी तब भी हो सकता है बाहर हो तो अनसर्टेनिटी चारों तरफ है जैसे कोविड के टाइम पे सबने देख ही लिया है क्या अनसर्टेनिटी है किस लेवल की है बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि होटल इंडस्ट्री सोचो जो सोचते थे कि हम तो बिल्कुल सेफ है एक फाइव स्टार होटल में है और हमारी जॉब बिल्कुल सेफ है क्या हुआ उन सबके साथ में हम सबने देखा है तो कोई सेफ नहीं है सेफ कौन है फाइनेंशियली सिक्योर कौन है या फाइनेंशियली फ्री कौन है जो फ्यूचर को देख पा रहा है जो समझ पा रहा है कि आज क्या हो रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है और क्या होने वाला है और इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो फ्यूचर को देखते हैं वो सिर्फ जब फ्यूचर हो जाता है यानी फ्यूचर पास्ट हो जाता है तब उसको फॉलो करते हैं लास्ट पॉइंट पे जहाँ पर लॉसेज ही लॉसेज हैं प्रॉफिट तो है ही नहीं इट्स लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि शुरू में ऐसे होता है फिर ऐसे होता है कर्व फिर ऐसे होता है फिर ऐसे जाता है तो जब कर्व यहाँ होता है ना और यहाँ जाने ही वाला होता है तब ज़्यादातर लोग एंटर कर रहे होते हैं और फिर रोते हैं कहते हैं ये क्या हो गया हमने तो अपना सारा पैसा डुबो दिया जैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करी जाए तो जब मार्केट की पूरी ध्जियाँ उड़ी होती हैं बिल्कुल नीचे होती है मार्केट तब कोई नहीं घुसता है डर करके साइड में बैठे रहते हैं अब जब मार्केट तेज़ हो रही है प्राइसेस इन्फ्लेटेड है पी मल्टीपल्स इन्फ्लेटेड है तब हर कोई घुस रहा है मार्केट के अंदर ये गड़बड़ है ये बेसिकली जो माइंडसेट है ये ग्रीड ऑफ र का है साइकोलॉजी वाइज अगर आप समझोगे तो तो अगर इस माइंडसेट से आप फ्री हो जाते हो यानी ग्रीड ऑफ र से फ्री हो जाते हो ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला मैंने अगला लेवल भी टच कर दिया है यहाँ पर उसका भी हिंट दे दिया आप लोगों को अगर आप ग्रीड और फियर से फ्री हो सकते हो तो साइकोलॉजिकली आप फ्री हो सकते हो नहीं तो कभी नहीं हो सकते है. और वो कैसे होगा सर क्वेश्चनिंग से होगा जैसे अभी हम यहां तक पहुंचे हैं वैसे ही वहां भी आगे पहुंचेंगे और फिर ग्रीड ऑफ ईयर के बाद में भी एक और लेवल आएगा वो आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग का कि आप कौन हो ये दुनिया क्या है यूनिवर्स क्या है भगवान क्या है ये क्या है लाइफ क्या है डेथ क्या है जब वहां पे भी क्वेश्चनिंग कर करके अपनी सारी लेयर्स को अच्छे से हटा करके देख सकते हो तो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे भी आप फ्री हो सकते हो यानी दुनिया का सबसे बड़ा डर वो क्या है डेथ उससे भी आप फ्री हो सकते हो लाइफ और डेथ आपके लिए एक जैसी हो सकती है आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से एक मंदिर में भगवान के आगे जाकर के ये बोल सकते हो कि हे hey भगवान अगर अगले मोमेंट में मेरी डेथ हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि लोग लाइन में लगे हुए हैं किस लिए <laughs> hey जब तक भी आप कुछ भी मांग रहे हो तब तक आप फ्री नहीं हो जिस दिन आपने मांगना बंद कर दिया बार बार से दिखाने के लिए नहीं अंदर से एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं मांग रहे हो नथिंग एट ऑल तो आप फ्री हो क्योंकि फियर इज ऑपोजिट ऑफ डिजायर अगर आप डिजायर से फ्री हो तो आप फियर से भी फ्री हो डर उसी के तो खोने का होता है जिससे रिलेटेड आपके अंदर डिजायर होता है नहीं तो फियर कहां है नहीं। मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको खोने का डर है आपके अंदर नहीं।, नहीं है क्यों नहीं। जो आपका होता है उसी से रिलेटेड तो डिजायर होता है तो आप क्या हो कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछो ना अगर आप खुद के सच को देख लेते हो तो उसी पे तो सारे डिजायर्स टिके हैं और उन्हीं डिजायर से तो सारे फियर्स जुड़े हैं इस सबकी फाउंडेशन क्या है आप हो अब ये मैं क्या है अगर उस मैं के सच को आप देख लेते हो तो आप फ्री हो सकते हो विश यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू